Assalamualaikum बखैर आले, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISD व्लॉग्स। तो यार अभी तो जुम्मे का मुबारक दिन, अभी नमाज पढ़ के आए और अभी लगी हुई है भूख, तो खाना खाते हैं और साथ ही साथ आपको वेलकम करते हैं अपने डेली व्लॉगिंग चैनल में। दादे क्या हो गया यार, बीमार हो गए हैं है दादे? दादे क्या हो गया? और गन खाओ ना, और केक खाओ, टॉफियाँ खाओ, चिप्स खाओ, मिर्चे वाले। हाँ गोलगप्पे खाओ, क्या क्या खाओ, फिर खांसी खाओ, खांसी खाओ। खाना खाया? अभी खाऊंगी। क्या खाएगा? क्या खाएगा? बैंगन। ओ गोलगप्पे के ऊपर आइसक्रीम खाई है, फिर तो खांसी होगी ना। रायता, इसमें हरी मिर्च मैंने डाली है, पता नहीं हरी मिर्च तेज है कि भी नहीं। अम्मी ये बात है, तू नहीं, वो नहीं हुए थे, मैंने कहा अभी जब ये बन जाएगा फिर कर लूंगा। अब हो गए चावल गरम हो गए अम्मी, देख लो हल्का हल्का धुआं तो लग रहा है। अभी भी नहीं हुए अम्मी, आपने एकदम से निकाल दिए यार। अली उठ कर आ गए हो? हाँ ना, बर्गर खाने आए। जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी आज? कह रहा हूँ जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी। दो पढ़ी यार, अली टाइम पे उठा करना, नमाज पढ़ने जाया कर, माना नशे करके सोता है। बातें कौन कर रहा, सुन तो सही जरा। वो कह रहे मोहम्मद अख्तर लावा पीते हैं कावा, नया आया है वैसे। मोहम्मद अख्तर लावा पीते हैं कावा, नया रालो नया योगर्ट कावा की ना यार, कट कावा। अली कितनी दाढ़ी रख रहे, उमर कितनी दाढ़ी रखेगा 6 महीने में? कितनी कितनी है? सीरियसली नहीं कटवा रहा कमाएगा ये बात सोची भी नहीं होगी कि क्या उसने अस्ताना भी बना दिए तेरा, जा बच्चे मजे कर। ऐसी तो नहीं है ये, जी बात कर रहे यार, जब बड़ा यार अली तुझे पता नहीं होता, खैर लगा तू 5-5 हज़ार रुपए ये भी रखता हूँ पैसे, रख निकाल में जोर दे तू, रख ना अभी। ओ ओ रख रख ये 10-20-30 जा मारा पर 5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। हाँ मैं 20 को देता हूँ बस, 5 हज़ार दे बता रहा हूँ, एक चीज मानते भी सुनते भी नहीं है पहले, फिर हमें 5 हज़ार दे। पीते हैं कावा कावा कावा, अली ने उस डाला था चाय चाय चाय, अभी कह रहे हैं कावा कावा। अली एक बात बता, तू घर से शॉर्ट हो के क्यों निकलता है? ये मारा चालाकियां करते पूरा दिन, पूरा दिन शॉर्ट होता है तू। अली शॉर्ट नहीं, फजूल बात कर रहे एक दो, इस शो में कोई बात बताओ, मानते ही सुनते भी नहीं। तू गलत बोल रहा है, मैं अभी सर्च करूं, अभी फोन करूं, अभी उधर जाते हैं सर्च करके, क्या अभी फोन करता हूं मैं तू ब्रांच यार। केएनएस वाले तो पैकेट में देते हैं, खुले क्यों? पैकेट में, पैकेट ही बने हुए हैं तो सारा बोलना। पंजी होते हैं ना पंजी, हाँ उसके 5 किलो का पैकेट है, फुल पैकेट है ना, पैकेट ना, पैकेट तो है। खुले बिक रहे हैं? नहीं नहीं ये खुले लाके बेचते हैं, खुले लाके कोई नहीं बेच सकता, पॉलिसी नहीं है, हाथे पैकेट में ही है, उधर से खुले नहीं बेच सकता, कोई बेच ही नहीं सकता। साहब को रेस्क्यू करने आए हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म। जाओ अच्छे दाना स्टार्ट कीजिए, हम ले हैं ताते के साथ, वे भी खा रहे हैं। ताते कैसे है? बेहतर। दादे को मैंने मना किया क्योंकि दादा बीमार है, वो फिर भी दादा कह रहे हैं कि यार खाना है तो अब क्या करें हैं दादे। आ गए बच्चे खाने खास, किस लिए आया है? सारा मेन्यू ऑर्डर करना कर दिया ना। वो क्या नाम है यार उसका, राना सैफ है कि क्या? उसने जो मैकडोनल्ड का मेन्यू ऑर्डर देख रहा था, ये खान सैफ कर सकते हैं ना, पूरा मेन्यू ऑर्डर कर यहाँ लगा होगा लाइन पे। देंगे यार मेरी तरह से सबको ट्रीट। ये देख बच्चे ट्रीट देखा, चल मंगवा ना अभी, मंगा लेना फिर मैंने रोका है, जो मर्जी खा। ये ले बच्चे नेक साहब ने ऑर्डर दे दिए है, खुराका दे मतलब पूरा खाना खास का मेन्यू इस टेबल में इस तरह। हाँ हमें भी कहेंगे आप एंड में कैंसिल कर देंगे
तो यार खुद वो कह रहे होंगे पागल तो नहीं हो गए कि क्या सीन है। हां फिर भी 38,000 बड़ी चीज है यार, क्या नहीं खान एक टाइम का खाना। 38,000 खैर कम है माने तो नमक मंडी जाओ तो कुछ भी नहीं, 6-7 लोग ठीक कह रखा था। तंदूरी चाय जेर पाव पाव के रहा ले कब है ना भाई बड़ा कम दा वाउस कूस गरम ना हो, गरम लग नहीं रही गुजारा, इतनी गर्म नहीं है चॉकलेट इसमें लग रहा है डेरी मिल्क डाली हुई है, अब गर्म होगी क्योंकि ऊपर से तुमने थोड़ी पी है। डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क चॉकलेट पिज़्ज़ा की तरह ये चॉकलेट चाय है। रश ज्यादा है आज ना, वीकेंड नहीं आज तो जुम्मा है ना, वीकेंड शुरू बस वीकेंड शुरू है ब्रो। देर में वो कढ़ाई ले आता नहीं लाता बाबू ना रहा लो, जरा इसकी शक्ल तो खोले ना सर, वो खोलने के पैसे हैं यार, खोल खोल धुआं हुआ निकलेंगे ना देख। उम्र कबाब में इस तरह फिर प्रोटोकॉल नहीं मिलता बच्चे, किस तरह ये प्लास्टिक वाला खोल खोल सब खोलो जैसे अनबॉक्सिंग मैंने की है। लोग फोन की करते हैं, हम कबाबों की करते हैं। तो यार व्लॉग एंड करने से पहले मैंने सोचा कि यार आप लोगों को एक ऐसी बात बताई जाए जो आपके भी फायदेमंद हो, मेरे भी फायदेमंद हो और हमारे मुल्क की भी फायदेमंद हो, और वो बात ये है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अभी क्यों कम करें मैं बताता हूँ। तो रीज़न ये है क्यों कम इस्तेमाल करें, रीज़न ये है कि जो हमारा कराची का साहिल समंदर है जहाँ पानी होता है ठीक है, अगर हम ये प्लास्टिक की बोतल और ये प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे तो अनकरीब वो जो साहिल समंदर है वहाँ सिर्फ हमें ये बोतल और प्लास्टिक ही मिलेगा, पानी ख़त्म हो जाएगा ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि हम इसका कंट्रोल अभी से शुरू करें, वरना तो 1-2 साल में तो अन्नी पा देंगे, वो जो कराची के साहिल समंदर होगा ना वहाँ सिर्फ शापर और बोतलें ही होंगी ठीक है। तो आज के ब्लॉग बस हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।